ठीक है, डिस्क्रीट मास सिस्टम देख रहे थे हम, डिस्क्रीट का सेंटर ऑफ मास। तो तुम्हें समझ में आ गया था कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट इज समेशन ऑफ एम आई आर आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम आई। अच्छा, मान लो डिस्क्रीट मास सिस्टम नहीं है, जैसे कंटीन्यूअस मास सिस्टम है, एक स्क्वायर और स्क्वायर के बाजू में एक सर्कल, कोई बाहर है क्या? तो इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है हमें। तो देखो, क्या तुम्हारा मन क्या बोल रहा है कि क्या करना चाहिए? इनफाइनाइट है या तो बहुत सारे, है इनका मास भी दिया हुआ है कि ये स्क्वायर प्लेट है, इसका मास एम है और साइड ए है, इसका ही मास दिया हुआ है। मास नहीं दिया हुआ, बस एरिया दिया हुआ है, क्योंकि मास फिर अलग अलग हो जाएगा। इसका रेडियस ए बाई टू है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, ये सिमेट्रिक बॉडीज़ हैं, सिमेट्रिक बॉडीज़ मतलब एकदम स्टैंडर्ड बॉडीज़ हैं। इनका सेंटर ऑफ मास इनके रिस्पेक्टिव सेंटर पे ही होगा, जैसे इसका सेंटर यहाँ पर ही होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर ही होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इसको 0.0। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट होगा, देखना, यहाँ से यहाँ तक a बाई टू और फिर ये a बाई टू, तो ये हो जाएगा a 0, ठीक है। तो अब y का तो 0 कोऑर्डिनेट है, इसका भी और इसका भी 0, तो y ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 0 ही आने वाला है। ये समझ में आ रहा है 0 कैसे आएगा? m1 y1 m2 y2, तो y तो 0 ही है दोनों उसमें, तो वो 0 ही आएगा। बस अब हम भाई क्या निकालना है? x ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब मास नहीं पता हमें, लेकिन मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर एरिया वाइज, जैसे इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है ए स्क्वायर और इसका एरिया कितना है? पाई ए बाई टू का स्क्वायर, सो दैट इज पाई ए स्क्वायर बाई फोर। दोनों का एरिया अलग अलग है, ठीक है। तो इसका मास जो है, लाइक से इसकी सरफेस डेंसिटी सिग्मा है, तो इसका मास कितना होगा? एम वन विल बी सिग्मा ए स्क्वायर। ये समझ आ रहा है क्या? देखो, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा बोल दिया, लाइक से जनरली हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं मास पर यूनिट एरिया को। तो मास क्या होगा? सिग्मा इंटू एरिया। तो मैं कुल मिला के बस इतना याद रखो कि अगर हमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया मास डेंसिटी का, तो हमारे पास ये मास आ गया। सिमिलरली इसका मास क्या होगा? लाइक से एम टू, इसका होगा जो भी सरफेस मास डेंसिटी है इंटू इसका एरिया, पाई ए स्क्वायर बाय फोर। ये समझ में आ रहा है? तो एक्स सी एम कैसे लिखते हैं हम? m1x1 + m2x2 डिवाइडेड बाय m1 + m2, ऐसे लिख देते हैं। और m1 क्या है यहाँ पर? m1 उसका मास एक का, सिग्मा ए स्क्वायर। x1 कितना है? 0। ये 0 क्यों है? क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए। प्लस m2 क्या लिखें यहाँ पे? दूसरे का मास, सिग्मा पाई ए टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू x2। x2 क्या है? a डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास क्या है? ये वाला प्लस ये वाला, तो ये सिग्मा ए स्क्वायर प्लस सिग्मा पाई ए की स्क्वायर बाय 4। ये समझ में आ रहा है? मतलब इनके हैवीनेस में मत जाओ, अभी बस प्रोसीजर समझो कि ये वैल्यूज़ कैसे लिख दी हमने, ये कैसे लिख दी, ये कैसे लिख दी, ये क्यों लिख दिया, उसी में फिट किया है बस हमने। ये समझ में आ रहा है? तो ये कंटीन्यूअस मास सिस्टम था, डिस्क्रीट नहीं था, बट फिर भी हम इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट कर सकते हैं, इनका सेंटर ऑफ मास।
ए कॉमा ज़ीरो और 0,0 पर, ठीक है, नोट करो इसको। कंटिन्यूस है क्योंकि देखो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट मासेस होंगे इसमें। कंटिन्यूस मतलब बहुत हर चीज़ कंटिन्यूस ही है, मतलब नॉर्मली। डिस्क्रीट मतलब जस्ट पॉइंट मासेस। तो अभी अपना काम ख़त्म नहीं हुआ है, लर्निंग बाकी है। देखो इसमें सिग्मा कट जाएगा ऊपर नीचे दोनों से, सिग्मा कॉमन निकल गया। तो इसका मतलब कि अगर सिग्मा नहीं भी यूज़ करते हम तब भी इसको किस फॉर्म में लिख सकते थे। ये क्या है, ये एरिया ऑफ वन, ये क्या है, ये भी एरिया ऑफ टू, ये है एरिया ऑफ वन और ये है एरिया ऑफ टू। तो इट इज़ लाइक a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। तो जो मास के टर्म्स में लिखते थे हम, वो फार्मूला एरिया के टर्म्स में भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। सो दिस इज x ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ एरिया। बस शर्त क्या है कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मास शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसको नोट करके लिखेंगे हम। को नोट करके लिखो, फॉर अ टू डायमेंशनल बॉडी, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पोजिशन फॉर द टू डायमेंशनल बॉडी, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास is given by position vector RCM of the center of mass is equals to a1 r1 plus a2 r2 and so on divided by a1 plus a2 plus a3 and so on।
अच्छा एक क्वेश्चन है, एक डिस्क है ये, ठीक है, उसमें से एक छोटी डिस्क स्कूप आउट कर दी, ये एक बड़ी डिस्क थी, उसमें से छोटी डिस्क सेमी सर्कल मतलब आधे रेडियस का सर्कल स्कूप आउट कर दिया, तो अगर स्कूप आउट नहीं किया होता तब तो सेंटर ऑफ मास यही होना था, लेकिन स्कूप आउट कर दिया तो फिर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें बताना है कि वो सेंटर ऑफ मास कहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, सो दिस इज़ आर एंड दिस इज़ आर बाई टू, तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखो, है ना, कि अगर ऐसा इसको दो की तरह मान सकते हैं अपन, कि एक कंप्लीट सर्कल था और उसमें से हमने एक छोटा सर्कल माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा माइनस का मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, माइनस का मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन है कि हम ये जो फॉर्मूला लिखते थे, अगर मान लो सपोज ये ऐड किया होता, ये मास अगर ऐड किया होता तो हम x ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखते, एक्स वन ए वन प्लस एक्स टू ए टू डिवाइडेड बाय ए वन प्लस ए टू अगर ऐड किया होता तो, लेकिन अब ये सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपन एरिया, तो सब्सट्रैक्ट का क्या मतलब है कि इसको हमें उस फॉर्मूले में नेगेटिव कंसीडर करना है, मींस इफ दिस इज ए वन दिस मस्ट बी ट्रीटेड एज माइनस ए टू, है ना, इसका अगर जोड़ रहे होते तब तो प्लस ए टू करते, घटा रहे तो माइनस ए टू कर देंगे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस फॉर्मूले में, कि यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ये बात समझ में आ रही, तो बस उठा के लिख दो यहाँ पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता, पूरी बड़ी डिस्क का, इसका तो होता ज़ीरो पे, है ना, केवल एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, वाई तो ज़ीरो ही होने वाला है, केवल एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, और इसका कहाँ होता, इसका है यहाँ पर, मतलब r बाई टू आगे, तो ये क्या r बाई टू, तो ये r बाई टू, तो ये क्या हो गया, x1 वन इज ज़ीरो, ए वन इज पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स टू इज r बाई टू, आर बाई टू भी पोजिशन पर है, एंड एरिया ऑफ सेकेंड इज पाई r बाई टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए वन माइनस ए टू, ए वन इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर बाई टू का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई, तो कॉमन आ गया, देखो पाई सब जगह से कॉमन आ गया तो कट गया, तो ये तो ज़ीरो ही होने वाला है, ये माइनस आर बाई टू इंटू आर स्क्वायर बाय फोर डिवाइडेड बाय, ये आर स्क्वायर कॉमन यहाँ से, वन माइनस वन बाय फोर, ये हो गया माइनस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, वन बाई एट, तो आर बाई एट डिवाइडेड बाई थ्री बाई फोर, तो ये टू ऊपर गया, तो ये हो गया आर बाई सिक्स माइनस के साथ,
तो इसका मतलब r बाय सिक्स डिस्टेंस ज़ीरो यहाँ पर है, तो r बाय सिक्स मतलब यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, माइनस r बाय सिक्स का ये मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग कहाँ पर होगी। तो इसमें तो कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सेंटर पे होगी, है ना। लेकिन व्हाट इफ कोई पूछे सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, ये कहाँ पर होगी। ठीक है, बोला अब ये सेंटर पे नहीं होगी, क्लियर सा समझ में आ रहा है, थोड़े ऊपर होगा सेंटर ऑफ मास। तो एग्जैक्टली कैसे निकालेंगे कहाँ पर होगा वो देखते हैं। तो देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, इसका मास दिया हुआ है, इसका मास है m और रेडियस r है। ठीक है, तो इसको हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है। और ये कोई सिमेट्रिक फिगर भी नहीं कि कोई कहे कि यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ भी नहीं होगा, कुछ सिमेट्रिक फिगर नहीं है ये। तो क्या करें, तो अपन जो फॉर्मूला जानते हैं उससे कुछ सिमेट्रिक पोजीशन निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर केवल ये मास होता, केवल केवल ये पॉइंट मास, तो हम लिख देते इसका, इसकी वजह से जो मतलब कि जैसे इनफाइनाइट पॉइंट मासेस हैं, तो एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। लेकिन ये कैसे निकालें, हर का कोऑर्डिनेट कैसे लिखें, इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखें, इसका कैसे लिखें, ये बड़ी दिक्कत भरी बात है। तो हम एक रिप्रेजेंटेटिव पकड़ लेते हैं, ये पकड़ लिया रिप्रेजेंटेटिव, और वेरिएशन यहाँ पे कैसे हो रहा है ना, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना अगर समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। वेरिएशन कैसे हो रहा है, ये वेरिएशन ऐसे हो रहा है, मास इज वेरिंग लाइक कि सब के सब आर डिस्टेंस पे हैं लेकिन सबका एंगल चेंज हो रहा है, ये बात समझ रहे हैं। तो आर इज कॉन्स्टेंट, ये बस मैथमेटिकली पकड़ा हमने, एंड थीटा इज वेरिएबल। तो एक काम करते हैं, एक रैंडम एंगल थीटा पर एक छोटा सा मास लिख लेते हैं, दैट इज डीएम। ये समझ में आ रहा है, डीएम, डीएम मतलब बहुत छोटा सा मास। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, देखो रिजॉल्व कर लो, ये r cos थीटा, ये r sin थीटा, इसको ओरिजिन माना है। तो ये हो गया r cos थीटा r sin थीटा, ये रिप्रेजेंटेटिव मिल गया हमें। अब क्या करना चाहते हैं, हम सेंटर ऑफ मास लिखना चाहते हैं। तो x ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखें, जो भी छोटा सा मास है dm इंटू उसका x कोऑर्डिनेट, ये समझ में आ रहा है। तो अब देखो गौर से, तो ये तो केवल एक का लिखा है, ऐसे इनफाइनाइट है, तो ये समेशन ऐसे प्लस करके सबका लिखेंगे उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, ये बात समझ में आ रही। मतलब एक 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 डिस्क्रीट पकड़ के लिखना कंटिन्यूस फॉर्म में इज वॉट, वही तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है, छोटे छोटे सबको ऐड कर रहे हैं, अगर हम इनफाइनाइटली स्मॉल, इतने सारे इनफाइनाइट हैं, तो वो समेशन का मतलब क्या है, वो समेशन का मतलब है इंटीग्रेशन, ये बात समझ। ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये तो हो गया वो ये वाली चीज़, दिस थिंग, और नीचे डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो टोटल मास मतलब डी एम, डी एम का इंटीग्रेशन। इतना समझ में आ गया, फिर अब मैथमेटिक्स बची हुई है इसके बाद। तो
तो ये अगर समझ में आया तो बताओ ये क्यों लिख दिया, वो क्यों प्लस करके क्यों नहीं लिखा? प्लस करके इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट मार्जिन, जैसे चार होते तो चार लिख देते अपन, पाँच होते तो पाँच लिख देते, लेकिन अभी इनफाइनाइट पॉइंट मासेस है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कहाँ से मास शुरू हो रहा है? तो मास शुरू हो रहा है यहाँ से जहाँ पर थीटा क्या है, जीरो, और कहाँ तक जा रहा है, 180 तक। तो ये थीटा 180 तक जा रहा है पाई तक, तो लिमिट जाएगी यहाँ से जीरो से पाई, ठीक है। लेकिन इसको हम अभी इंटीग्रेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल थीटा के टर्म्स में ना, आर तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, वेरिएबल थीटा के टर्म्स में, लेकिन जो जिस इंटीग्रेंट है जिसके टर्म्स में इंटीग्रेट करना है वो डीएम है। अरे इसको ऐसे सोचो, मान लो कि तुमसे कोई बोले ऐसे इंटीग्रेट करो साइन एक्स डी एक्स, तब तो तुम कर दोगे, है ना, साइन एक्स को डी एक्स के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है, फॉर्मूला है, कर दिया। लेकिन वो ऐसे बोले साइन एक्स डी थीटा इसको कर दो, तो नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ये वेरिएबल एक्स के टर्म्स में है लेकिन ये इंटीग्रेशन जिसके टर्म्स में करना है वो थीटा है, तो इसका मतलब ये थीटा के टर्म्स में डीएम बनाना पड़ेगा हमें, मतलब वी नीड टू गेट डी थीटा, यहाँ डीएम की जगह तब्दील करना पड़ेगा इसको डी थीटा में। तो देखो वो कैसे करेंगे, बोले ये समझ में आ रहा है, डीएम हैज़ टू बी कन्वर्टेड इन डी थीटा, लिख भी सकते हैं हम डीएम हैज़ टू बी कन्वर्टेड इंटू डी थीटा, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो अब डी थीटा क्या है सबसे पहले तो देखते हैं, डी थीटा इज थीटा में छोटा सा वेरिएशन और वो डीएम के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। तो गौर से देखो, ये थीटा का ज़रा सा वेरिएशन जो हुआ यही डी थीटा है, दिस इज डी थीटा, ये बात समझ में आ रही। सो ये जो डीएम मास है ये कितना एंगल ट्रैवल कर रहा है, ये डी थीटा एंगल ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अच्छा टोटल मास कितना था इतने पूरे का, टोटल मास था एम, वो कितने रेडियन के करस्पॉन्डिंग था, वो पाई रेडियन के करस्पॉन्डिंग था। देखो पाई घूम जाता अगर थीटा तो टोटल मास कितना मिल जाता हमें, एम, तो पाई के करस्पॉन्डिंग मास है एम। तो यानी कि वन डिग्री रेडियन, नॉट डिग्री, रेडियन, वन रेडियन के करस्पॉन्डिंग मास कितना होता, एम बाय पाई, पाई रेडियन के करस्पॉन्डिंग मास, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम, टोटल मास कितना था पाई रेडियन के करस्पॉन्डिंग एम, तो वन रेडियन के करस्पॉन्डिंग एम बाय पाई। हमें किसके करस्पॉन्डिंग चाहिए, हमें डीएम चाहिए डी थीटा के करस्पॉन्डिंग, तो डी थीटा के करस्पॉन्डिंग कितना मास होगा, एम बाय पाई इंटू डी थीटा, यही डीएम है, यही तो है डीएम। यार ऐसे हमने डीएम कैसे लिख दिया, मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक मास कितना है, यहाँ से यहाँ तक मास है एम, कैपिटल एम, लेकिन हमें क्या लिखना है, डीएम। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है, डीएम है, डीएम है डी थीटा के करस्पॉन्डिंग, एम किसके करस्पॉन्डिंग है, एम पाई के करस्पॉन्डिंग है। तो यूनिटरी मेथड से कि वन रेडियन के करस्पॉन्डिंग कितना होगा, एम बाय पाई, और डी थीटा के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एम बाय पाई इंटू डी थीटा, यही है डीएम, है ना। यूनिटरी मेथड की एक टॉफ़ी आई 10 रुपए की तो 20 टॉफ़ी कितने की आएंगी, कि अगर पाई के करस्पॉन्डिंग मास एम है तो वन कितने के करस्पॉन्डिंग है, एम बाय पाई। अब एक बार हमने अगर डी एम की वैल्यू पता कर ली जो है एम बाय पाई इंटू डी थीटा, तो हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट्स लगा दो इसमें जीरो से पाई, डी एम की जगह लिखा है एम बाय पाई इंटू डी थीटा, यहाँ पे आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन जीरो से। अच्छा इसका इंटीग्रेशन करके क्या आने वाला है, डीएम का इंटीग्रेशन करके एम ही टोटल मास ही आने वाला है यहाँ, तो ये सब इंटीग्रेशन कर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ तो केवल टोटल मास एम लिख दो, ठीक है। तो एम से एम कट गया, एम कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बाहर आके कट जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में काटते हैं।
तो ये बाहर आके कट जाएगा, क्या क्या बाहर आएगा, एम बाहर आएगा, पाई बाहर आएगा, आर बाहर आएगा, अंदर बचेगा जस्ट कॉस थीटा डी थीटा। एम बाई पाई बाहर, आर बाहर, इंटीग्रेशन जीरो से पाई कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई एम, तो एम से एम कट गया, यहाँ पे बचा क्या, आर बाई पाई। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है याद करो, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, जस्ट साइन थीटा। डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, इंटीग्रेशन तो साइन थीटा ही होता है। और लिमिट लगा दो जीरो से पाई, माइनस होता है क्या, हाँ सही कह रहे हो माइनस होता है। डिफरेंशिएशन कॉस का एक बार चेक कर लो कहीं से, माइनस ही होता है, डिफरेंशिएशन होता है माइनस, ये प्लस ही होता है। अच्छा तो ये वैल्यू क्या आने वाली है फाइनली, आर बाय पाई साइन थीटा इज पाई माइनस साइन पाई माइनस साइन जीरो, तो साइन पाई इज जीरो और साइन जीरो भी जीरो, तो ये आंसर क्या हो गया, जीरो। ये भी जीरो, ये भी साइन पाई इज जीरो, साइन जीरो इज जीरो। तो ये अगर इतनी मशक्कत करने के बाद जीरो जो बोला है हमने, ये तो यूं ही बोल देते हम, ये क्या निकाला क्या हमने, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दिया इसका, तो देखो वाई कोऑर्डिनेट निकालना बाकी है। तो इतनी मशक्कत करने के बाद जीरो निकाला हमने, तो वो तो ज़ीरो होना ही था, क्यों होना था ज़ीरो, क्योंकि इस पर ही लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, ये तो समझ में आ रहा है, इसी लाइन पर कहीं, तो यहाँ पर जहाँ पर भी होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो ही होने वाला है। वाई कोऑर्डिनेट निकालना मेहनत का मतलब जायज़ काम था, तो ये तो हम इंट्यूशन से ही बोल सकते थे कि ये ज़ीरो ही होना है, वो मैथमेटिकली भी आ गया। तो अब अगला लगा लेते हैं वाई सेंटर ऑफ मास, तो वाई सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, डी एम इंटू वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। और वो अपने नोटबुक में तुम डायग्राम देखो, जो हमने डी एम मास माना था उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट था आर कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट था आर साइन थीटा, तो यहाँ पे ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये आएगा आर साइन थीटा, ठीक है। अब इसको एज ए प्रैक्टिस सॉल्व कर दो जो हमने पिछला किया, डी एम वही आएगा, हाँ डी एम भी तुम एक बार खुद के दिमाग से निकाल के लगाओ, एम बाई पाई इंटू डी थीटा। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस जीरो से पाई, वैल्यूज रख लो। माइनस बाहर ले लो, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है याद करो, कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन और कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू और एक माइनस और है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा टू आर बाय पाई। मतलब ये वैल्यू निकल के आ रही है टू आर बाय पाई,
मतलब ये वाली डिस्टेंस है 2r बाई, कैसा लग रहा है? कष्टकारी लग रहा है ये, क्या ठीक लग रहा है इंटीग्रेशन? ये कष्टकारी लग रहा है या सही लग रहा है? एक और इंटीग्रेट डिस्क का भी कर लेंगे, सेमी सर्कुलर डिस्क का। ये कुछ काम का नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऐसे मतलब मज़ा आता है करने। तो नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क, अच्छा पूरी सर्कुलर डिस्क होती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सेंटर पे होता सेंटर ऑफ मास, लेकिन अब सेमी सर्कुलर डिस्क की बताना है। तो अभी तुम तो बस इतना बताओ, जैसे रिंग वाले केस में हमने कैसे शुरू किया था कि जो मासेस हैं सारे वो आर की दूरी पर स्थित हैं सेंटर से और सबका थीटा चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या किया कर सकते हैं, मतलब क्या क्या चूज़ कर सकते हैं? जैसे वहाँ पे तो हमने एक पॉइंट मास चूज़ किया था और फिर उसकी उसकी मॉडलिंग करके पूरा इंटीग्रेशन कर दिया था। यहाँ पे अगर वैसा करने जाएंगे तो देखो दिक्कत क्या होगी कि पॉइंट मास एक यहाँ है तो वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, इधर भी सब पॉइंट मासेस हैं, तो दूरी तो सबकी अलग अलग हो रही है, आर भी कॉन्स्टेंट नहीं है, थीटा भी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो क्या करें? तो इसमें देखो ऐसा कर सकते हैं कि एक हम ऐसी रिंग मान लेते हैं जो यहाँ से x दूरी पर है, वाई दूरी पर है, लेट्स से वाई, तो ऐसी इनफाइनाइट रिंग्स मिलके ये डिस्क बना रही होंगी। ऐसे इनफाइनाइट रिंग्स बना दी जाए तो ये डिस्क बन जाएगी, ये बात समझ आ रही? तो इसमें हमने पॉइंट की मॉडलिंग करी थी, इसमें हम इसकी मॉडलिंग करेंगे, किसकी? रिंग की, सेमी सर्कुलर रिंग की। और सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास अभी हमने निकाला है ना, 2r/π। तो हम एक रिंग पकड़ लेते हैं, एक सेमी सर्कुलर रिंग, तो ये थिकनेस क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि ये y है तो ये वाली चीज़ dy होगी, dy की भी ज़रूरत पड़ेगी, जब y के टर्म्स में इंटीग्रेट करें तो dy चाहिए रहेगा। तो dy किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? उस सेमी सर्कुलर रिंग की थिकनेस को, ठीक है? ठीक है, तो अब इसका, अब पूरा भूल जाओ इसको, केवल इस पे फोकस करो, इसका सेंटर ऑफ मास हम कहाँ लिख सकते हैं? इसका सेंटर ऑफ मास लिखते हैं 2r/y पर, 2r/π पर। अब r क्या है इसमें? r है y, तो इसका सेंटर ऑफ मास, इस छोटे से dm मास का सेंटर, दिस इज dm, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर स्थित है, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ dm, छोटे से एक मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर स्थित है ना। अच्छा, x ऑफ सेंटर ऑफ मास तो जीरो आने वाला है, वो मशक्कत फिर नहीं करेंगे हम, क्योंकि क्लियरली वो इसी एक्सिस पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। तो ये बात तो पहले हमने एनलाइटन कर ली कि एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो। अब वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखने जाएंगे तो इस छोटे से एलिमेंट का लिखेंगे डिवाइडेड बाय डी एम,
ये करना है हमें, ये बात समझ में आ रही है? ये कैसे डी एम इंटू वाई एक का, इसका वो ऐसे बड़ी दिख रही है, वो दिखने में होगी वो इनफाइनाइटली स्मॉल ही, एक का ऐसी कितनी है, ऐसी इनफाइनाइट सेमी सर्कुलर रिंग्स हैं, तो सबका करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट, और यहाँ पे टोटल मास नीचे, तो अब हाँ ऑफ डी एम, डी एम इस रिंग, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास है, डी एम लिखा हुआ ना। तो अब y को लिख देते हैं यहाँ पर, y इज वॉट टू y, मतलब ये y एक्चुअली में दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ डी एम, सेंटर ऑफ मास ऑफ डी एम जो कि क्या है, जो कि है 2y बाय पाई। सो ये इंटीग्रेशन ऐसा बनेगा 2y बाय पाई इंटू डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, जिसको हम टोटल मास m ही लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा m क्या है ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी था, वैसे हम मान के चल रहे हैं दिस इज मास ऑफ द सेमी सर्कुलर डिस्क, और r क्या था रेडियस ऑफ द डिस्क, ठीक है। अब क्या अड़चन आ रही है यहाँ पे कि ये तो वेरिएबल y में है लेकिन ये वेरिएबल dm में है, तो dm को कन्वर्ट करना पड़ेगा y के टर्म्स में, तो dm क्या है इस बार, dm एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, इस स्ट्रिप का एरिया होगा dA कितना होगा, देखो अगर तुम इसको पकड़ के ऐसा खोल दो, इसको पकड़ के ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क ये स्ट्रिप है इसको पकड़ के खोल दिया तो रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा, और उसका थिकनेस कितनी होगी डी वाई, और लेंथ कितनी होगी, अगर पूरा होता तो 2πr, बट आधा ही है तो पाई आर पाई वाई है ना, इसकी लिख रहे हैं, इसको खोल रहे हो तो कितना एरिया हो जाएगा इसका, इसका एरिया हो जाएगा dA इज पाई वाई डी वाई, ये एरिया हो जाएगा इसका, सो दिस इज व्हाट पाई वाई डी वाई, ठीक है। अच्छा कैसे, मतलब ये एरिया क्यों लिखा है, क्योंकि मास यहाँ पर एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो टोटल मास था यूनिटरी मेथड लगा रहे हो, टोटल मास था वो कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो डिस्ट्रीब्यूटेड था पाई आर स्क्वायर बाई टू में, तो वन यूनिट में कितना होगा, वन यूनिट में होगा एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू टू, हमें कितने का चाहिए, हमें इतने का चाहिए पाई वाई डी वाई, सो पाई वाई डी वाई में कितना होगा, इसमें होगा टू एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू इंटू पाई वाई डी वाई, तो ये हो गया पाई से पाई गया, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, 2my डिवाइडेड बाय r स्क्वायर डी वाई, दिस इज dm, ये dm है, यही तो वो मास है जिसकी बात कर रहे हैं यूनिटरी मेथड लगा के, ठीक है। हाँ एक बार यहाँ लिखता हूँ अच्छे से, ये समझना है ये पाई वाई डी वाई क्या लिखा हमने, ये इतनी स्ट्रिप का एरिया है और इसी का मास एक्चुअली में डी एम है, वही लिखना चाहते हैं हम, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, टोटल मास एम कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पाई आर स्क्वायर बाई टू, क्यों, क्योंकि वो सेमी सर्कुलर डिस्क है पूरी, पूरी सर्कुलर डिस्क होती तो पाई आर स्क्वायर होता, बट आधी है तो पाई आर स्क्वायर बाई टू, तो वन यूनिट एरिया में कितना मास होगा, एम बाय पाई आर स्क्वायर बाई टू, इतना मास होगा वन यूनिट एरिया में, लेकिन हमें कितने यूनिट एरिया में चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड पाई बाई डी वाई में चाहिए, तो पाई बाई डी वाई, तो वो क्या होगा, वो होगा इसमें पाई बाई डी वाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टू एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई बाई डी वाई, तो पाई से पाई कट गया,
है ना, टू एम वाई डी वाई अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, उस स्ट्राइप का मास, यानी कि यही डी एम है, यही लिखना है हमें वहाँ पर, तो लिख देते हैं। तो लिख दिया 2y by pi into dm, dm की जगह लिखना ये इतनी बड़ी चीज़, तो 2m y dy upon r square, ठीक है, इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ m। अच्छा अब ये इंटीग्रेशन हो सकता है इसका, अब कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं m तो कॉन्स्ट, ये टोटल मास है ये, सॉरी ये इंटीग्रेशन के बाद m, तो अब कांस्टेंट क्या क्या है पकड़ लो इनको, कांस्टेंट को, टू कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो ये सब बाहर लिखो, टू बाय पाई आर स्क्वायर, टू और टू फोर, टू टू द फोर इंटू एम, अंदर बचा वाई स्क्वायर डी वाई और नीचे एम, तो एम से एम कट गया। अच्छा वाई की लिमिट क्या होगी जरा अपने डायग्राम में देख के बताओ, वाई की लिमिट जीरो से, देखो यहाँ से शुरू हो रहा है और चलेगा कहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि कैपिटल आर तक। अब यहाँ पे वाई क्या है, वाई तो एक डिस्टेंस है, एंगल नहीं है वाई, तो देखो डिस्क हमारी कैसी थी, ऐसी थी सेमी सर्कुलर डिस्क, रैंडम एलिमेंट वाई पे हमने लिया था कुछ ये, तो कहाँ से कहाँ शुरू हो रही है डिस्क, पहली जो डिस्क होगी वो यहाँ पे होगी, पहली जो रिंग होगी वो यहाँ पर होगी, फिर बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, तो y की लिमिट होगी y इक्वल टू जीरो से लेके y इक्वल टू r तक, तो जीरो से लेके r, बस अब हो गया ये 4 बाय पाई आर स्क्वायर और ये y क्यूब बाय 3 लिमिट्स जीरो से लेके r, तो r क्यूब बाय 3, सो इट इज़ 4 बाय 3 पाई इंटू आर, ये हो जाएगा, इतनी दूरी पर होगा सेंटर से, सेंटर ऑफ मास। ये समझ में नहीं आया तो बिल्कुल लोड मत लो, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई काम का नहीं है ये, ना एग्ज़ाम में आएगा, कंपटीशन में, ना बोर्ड्स में आएगा, बस ये वो है कि बस ईगो ईगो वाला ये है कि ईगो सेटिस्फाई होता है इसको सॉल्व करके। अगर बस तुम अप्रिशिएट कर पा रहे हो देख के कि हाँ चलो सही है तो भी इट्स इनफ। ठीक है अब काम की चीज़ पढ़ते हैं, तो देखो डिस्क्रीट मास सिस्टम में नहीं ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रीट मास सिस्टम में तुमने क्या देखा हमने कि r ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन एज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन जितने भी हैं डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इसको गौर से देखो ये क्या चीज़ है, ये पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, इसको इक्वेशन की तरह अगर देखो और हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें टाइम के साथ, तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा बताओ, बल्कि केवल इस पर फोकस करो अभी उधर पर नहीं, वेलोसिटी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय, अब इसको देखो ये तो कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसका तो डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना, मास है वो तो टोटल मास, तो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर कहाँ लगेगा, इस पे फिर इस पे फिर इस पे सब पे लग जाएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन डिफरेंशिएट होगा, ये
एम वन तो कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा वी वन, मतलब कि पार्टिकल वन की वेलोसिटी। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पार्टिकल टू की वेलोसिटी, फिर पार्टिकल थ्री की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिख सकते हैं, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, एज सिंपल एज इट इज। अच्छा अगर ये समझ में आ गया तो एक और बार डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो नोट कर लो इसको, तो क्या याद रखना है कि पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन एम आई आर आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम टोटल मास, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई वी आई डिवाइडेड बाय टोटल मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन एम आई ए आई डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। ये कैसे ऑप्टेन हुई, इसको डिफ्रेंशिएट करके। ये कैसे ऑप्टेन हुई, इसको डिफ्रेंशिएशन करके। तो इसका मतलब क्या, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का अगर हमें वेलोसिटीज़ पता है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी, इंडिविजुअल मासेस का एक्सेलरेशन पता है तो सेंटर ऑफ मास का, फिर कुछ मीनिंगफुल क्वान्टिटी नहीं आएगी। तो दीज इक्वेशन गवर्न्स द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशंस याद रखनी है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक पुली सिस्टम है, वही सब कुछ आइडियल है, मास नहीं है पुली का, फ्रिक्शनलेस पुली है, स्ट्रिंग्स इनएक्सटेंसिबल और मासलेस हैं, और एक तरफ लटका हुआ है 2 kg और दूसरी तरफ लटका हुआ है 1 kg। तो इनका कुछ कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है इंडिविजुअल एक्सेलरेशन, तो फाइंड करना ही है, और अल्टीमेटली फाइंड करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। किन किन का सेंटर ऑफ मास, 2 kg और 1 kg का।
तो क्या होगा इनका एक्सेलरेशन? सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल देते हैं कि लेट से इसका एक्सेलरेशन ए नीचे साइड है तो इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर साइड होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी? खींचने वाला फोर्स है 2g, रोकने वाला फोर्स है 1g, तो 2g माइनस जी डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 + 1 = 3, ये हो गया g/3, ए की वैल्यू आ गई g/3। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सो दैट इज़ व्हाट m1a1 + m2a2, दो ही हैं यहाँ तो, डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 + m2। तो m1 इज 2 और a1 इज -g/3। माइनस क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ है, हमने इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है और इसको पॉजिटिव, तो इक्वेशन लिखते टाइम पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ेगा। तो a1 इज व्हाट? a1 इज -g/3 प्लस m2 इज 1 एंड a2 इज +g/3 डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज 3। इसको सॉल्व कर दो, 2 - 1 - g/3 - g/9 हो जाएगा, ये सॉल्व करो, माइनस क्या डिपेंड कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास ओवरऑल नीचे जा रहा होगा, और सही बात भी है कि अगर भारी वाला नीचे जा रहा है तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास भी नीचे जा रहा होगा, तो ऐसे लिखेंगे आंसर, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज g/3 डाउनवर्ड्स, नॉट g/3, g/9। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं जिसके बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो 9th क्लास में इसकी डेफिनेशन थी, याद है किसी को? क्लास 9th में पढ़ी थी, याद करो, हल्की फुल्की भी याद आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर होता था, राइट, मतलब उसकी कंडीशन क्या होती थी? कंडीशन तो कुछ नहीं, बहुत इजी है, देखो मास तो चेंज नहीं होता, फोर्स जीरो होना चाहिए एक्सटर्नल फोर्स। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये बोलता है सेकेंड लॉ। तो अगर किसी सिस्टम पर या किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या है? मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन विल बी कि इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम पर, तो इसका मतलब ये dp/dt जीरो होना चाहिए, तो dp/dt इज जीरो। इसको ऐसे समझ सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम इज जीरो, किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है? जब वो चीज़ कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो इससे ये इम्प्लीकेशन है कि मोमेंटम इज कांस्टेंट। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है सिस्टम पर तो मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। इसका मतलब हर मोमेंट पर, चाहे इनिशियल मोमेंट हो चाहे फाइनल मोमेंट हो, मोमेंटम सेम ही रहेगा, तो p इनिशियल इज p फाइनल। ये बात समझ में आ रही है?
तो कैसे लिखेंगे कि स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो उसमें लिखेंगे इफ़ सिस्टम, इफ़ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज़ ज़ीरो, या इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, है ना। ये लिखने के लिए कहीं नहीं आएगा, वो नाइन्थ में ही आता था। अभी क्या आएगा लिखने के लिए एग्ज़ाम में कि प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूजिंग सेकेंड लॉ, तो उसमें ये लिखना पड़ेगा कि बाय सेकेंड लॉ एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, सेकेंड स्टेप में इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज ज़ीरो डी पी बाई डी टी ज़ीरो विच मीन्स मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट, दैट इज मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो ये तो हो गया बोर्ड एग्ज़ाम में ये लिखना पड़ेगा हमें, बट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे लीनियर मोमेंटम से कंजर्वेशन रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट्स से हमारे पास एक गन है, गन का मास है 5 kg, ठीक है, और पे बुलेट रिलीज हुई, बुलेट मतलब गोली चलाई और बुलेट निकली, तो उसका मास है लेट्स से 0.1 kg और उसकी स्पीड थी 100 meter per second। तो गन गोली चलाते हैं तो रिकॉयल होती है गन, है ना, तो रिकॉयल स्पीड क्या होगी इसकी, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिकॉयल। तो सिचुएशन देखो, यहाँ पे क्या एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है सिस्टम पे, तो सोचते हैं इस बात को कि ये गन ऐसी होगी, यहाँ पे इसका हैमर होगा जो स्प्रिंग से अटैच होगा और वो हिट करेगा इस बुलेट को, तो यहाँ पे फोकस करो, ये जो हैमर है ये तो गन का हिस्सा है, जब ये इससे टकराएगा तो इन दोनों पर एक्शन रिएक्शन लगेगा और वो बराबर होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ओवरऑल सिस्टम पर इस पर फोर्स लग रहा है आगे और इस पर भी एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स सिस्टम पे होगा ज़ीरो, क्योंकि अगर ये एफ है तो ये भी एफ होगा, एफ माइनस एफ इज़ ज़ीरो, तो एक्सटर्नल फोर्स तो ज़ीरो है सिस्टम पर, ये इंटरनल फोर्स आपस में काट रहे एक दूसरे को, तो एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर है ज़ीरो, तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लो इसको अब हम कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, पी सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं ये, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे है ज़ीरो, ये समझ में आया, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो के है सिस्टम पे, ये समझ में आ गया तो फिर तो अब हो जाएगा। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम जो था सिस्टम का वही फाइनल होना चाहिए, इनिशियली जब बंदूक नहीं चली थी तब कितना मोमेंटम था सिस्टम का, ज़ीरो, ना गोली चल रही है ना बंदूक चल रही है, अब फाइनली गोली भी चलने लगी और ये भी चलने लगी, तो गोली का मोमेंटम कितना होगा, 0.1 × 100, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन माना है, तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव, तो ये तो केवल हमने किसका लिखा फाइनल में, इसका, इसका भी आएगा माइनस मास इसका दैट इज 5 kg इंटू वी रिकॉइल, ये इक्वेशन समझ में आई, बस यही है इसमें, तो 5 × vr = 0.1 × 100, तो vr इज नथिंग बट
0.1 इंटू 100 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड से रिकॉइल कर जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन। एक पर्सन है वो दौड़ते हुए आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, उसका मास है 50 केजी और एक स्केट बोर्ड रखा हुआ है यहाँ पर, तो वो दौड़ते हुए आ रहा है और स्केट बोर्ड पर खड़ा हो जा रहा है, तो स्केट बोर्ड और वो चलने लगेंगे, ठीक है, इसका मास भी 10 केजी है। तो जब वो चलने लगे फाइनली, तब उनकी स्पीड क्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है। और हर जगह फ्रिक्शन वगैरह जीरो है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ परफेक्टली, नो फ्रिक्शन, तो बताओ। तो यहाँ पे कौन कौन का सिस्टम है? यहाँ पर एक पर्सन और स्केट बोर्ड का सिस्टम है। तो क्या एक्सटर्नल फोर्स जीरो है सिस्टम पे? हाँ, देखो यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा, और जब ये इस पर चढ़ रहा होगा तो ये आगे क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे की साइड, और वो रिटर्न में उस पर पीछे की साइड फ्रिक्शन लगा देगा, जो एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो है, इंटरनल भी आपस में कट गए, एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो ऑन द सिस्टम। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है सिस्टम पर, तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वैलिड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वैलिड, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है? केवल यही चल रहा है सिस्टम में, वो तो रेस्ट पर रखा हुआ है। तो इनिशियल मोमेंटम इज 50 × 10 प्लस 10 × 0, क्योंकि ये तो चल ही नहीं रहा था स्केट बोर्ड, तो ज़ीरो। फाइनली दोनों चल रहे हैं और दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, वी से, और दोनों का मास कितना है कलेक्टिवली? 10 और 50 60। तो वी निकल के आ जाएगा यहाँ से, तो v इज इक्वल्स टू 50/6 यानी कि 25/3 मीटर पर सेकेंड। फाइव हंड्रेड बाई 60 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा।
एक और क्वेश्चन, एक टैंक है और वो फायर करता है, बट उसका जो फायरिंग चैनल है वो एकदम स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है, 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यहाँ से ये गोले फेंकता है, ठीक है, तो गोला फेंका इसने ऐसे, लेट्स से वो फेंका उसने 10 मीटर पर सेकेंड से, गोले का वजन है 50 केजी और टैंक का वजन है 500 केजी, है ना, फ्रिक्शन वगैरह ज़मीन कुछ नहीं लगा रही है, कोई वर्क कोई भी लॉस नहीं हो रही है एनर्जी की, तो अब ज़रा तुम बताओ ऐसे मतलब इंट्यूटिवली, ये रिकॉयल करेगा जैसे, ये तो इधर गया है, ये किधर जाएगा, ये ऐसा ऐसा तो नहीं, अंदर तो नहीं धस जाएगा ना, रिजिड है ये बहुत ज़मीन, ये ऐसा ही जाएगा, तो इसकी रिकॉयल स्पीड बतानी है इस तरफ, व्हाट इज दिस, वो तो इंट्यूटिव वैसे तो पकड़ में आ जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इतना बाइफर्केट कर ही लेंगे हम करते करते क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पे स्पीड का चक्कर है तो मोमेंटम आ रहा है दिमाग में, और रिकॉयल है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही है। उसमें एक चीज़ सीखने वाली बात है, 60 डिग्री का हाँ वही, कि मान लो कि अगर ये सिचुएशन ऐसी होती, ये टनल एकदम सीधी होती तब तो कोई दिक्कत नहीं दिया है ना, लेकिन अभी क्या इसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट भी दे रहा है इसको झटका, ये इसमें कोई ग्रेविटी का कोई काम ही नहीं होता, ये बात समझ में आ रही है, तो सिचुएशन क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर मान लो हम दो डायमेंशन में देखते हैं इसको, एक एक्स और एक वाई, तो एक्सटर्नल फोर्स उसमें लग रहा है ग्रेविटी वाला वाई में, उस गोले पर एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी वाला लग रहा है वाई में, यहाँ पे भी लग रहा होता लेकिन पूरा का पूरा कैलकुलेशन एक्स में ही था तो कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है, फिर वो ऐसे ज़्यादा ग्रेविटी क्या करती है उसको, वो तो रिकॉयल में यही दे दे रहा था, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक्स में ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसे वाई में कंजर्व नहीं होगा मोमेंटम, केवल एक्स में ही होगा क्योंकि ये एक्स में ही चल रहा है, क्या इस बात को समझ पा रहे हो, यहाँ पर एफ ऑफ वाई एक्सटर्नल इज नॉट ज़ीरो, क्यों नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, लेकिन एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब क्या कि वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओनली इन एक्स डायरेक्शन, ये बात समझ आ रही है, लिखो इसको अच्छे से, वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओनली इन एक्स डायरेक्शन, वाई में क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, इसका मतलब ये करना पड़ेगा कि इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन वो तो ज़ीरो, क्योंकि शुरुआत में तो ना टैंक चल रहा था ना गोला चल रहा था, फाइनली इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, तो गोला जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से इधर, एक्स में कितना होगा उसका, ये 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री, दैट इज 5, और वाई में जो होगा सो होगा, उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल एक्स वाली ही लेनी है, तो एक्स में कितना हो जाएगा ये 5 into गोले का मास
गोले का मास इज 550 kg। फिर माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि उस तरफ नेगेटिव है, माइनस बी इंटू 500, माइनस बी इंटू 500। तो यहाँ से आ गई बी की वैल्यू 5 × 50/100, यानी कि 2.5 meter पर सेकेंड। अरे ये समझ में, क्या क्या क्या, सॉरी ये 500 था, ये 500, तो ये 500 होगा, तो ये हो जाएगा 0.5 meter पर सेकेंड। ठीक है, इसमें NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करना, अच्छा ये NCERT में स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, 7th चैप्टर है रिजिड बॉडी डायनामिक्स, उसमें स्पेसिफिक एक बस एक सेगमेंट है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास और लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, इससे रिलेटेड टेक्स्ट रीड करना, जो भी टेक्स्ट लिखा है ना वहाँ पे, और उसी में कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे वो नीले बक्से में जो रहते हैं, उनको सॉल्व करना, इतना काफ़ी है इसमें। ठीक है, ये अननेसेसरी है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए।